नमस्कार साथियों, आपका एस के ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का तीसरे सत्र में शामिल हुए हैं। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 16 तक का सॉल्यूशन सीखेंगे। आइए एक एक करके क्वेश्चन को सीखते हैं। हम लोग पिछले सत्र में एक्सरसाइज 9.1 के 1 से 8 तक का सॉल्यूशन सीखे थे। उसके पहले वाले सत्र में इसके एग्जांपल्स के सॉल्यूशन 1 से लेकर के 7 तक सीखे थे और आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 16 तक का सॉल्यूशन सीखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर फोकस करते हैं। एक मीनार के पास बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक ये भवन है, एक मीनार है, इसके पादबिंदु से इसके मीनार का ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर कहता है भवन के पादबिंदु से, भवन का पादबिंदु सी हो गया, शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण, शिखर ये हुआ, ये 60 डिग्री है। मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये मीनार जो है 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सीढ़ी भवन की ऊंचाई हो गई साथियों, ये सीढ़ी हो गई भवन की ऊंचाई, इसको ए चक्कर कह देते हैं। ऐसा मान लिया तो ट्रायंगल ए बी सी में टेन 60 डिग्री बराबर 50 बटे एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं। भवन और मीनार के बीच की जो दूरी है वो एक्स मान लेते हैं। टेन 60 का मान रूट 3, 50 बटे एक्स, एक्स बटे 50 बटे रूट 3 आ जाएगा। सबसे पहले निकल के आया मीनार और भवन के बीच की दूरी। अब त्रिभुज ए सी डी में आए, 33 डिग्री बराबर एच बटे एक्स, एक बटे रूट 3 बराबर एच बटे एक्स, एक्स बराबर रूट 3 एच, एक्स का मान यहाँ 50 बटे रूट 3 है बराबर रूट 3 एच, यानी एच 3 एच बराबर हो जाएगा 50, यानी एच बराबर 50 बटे 3 मीटर, यानी 16 पूर्णांक 2 बटे 3 मीटर। इस भवन की ऊंचाई जो होगी 16 पूर्णांक 2 बटे 3 मीटर होगी। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये सड़क है ए से बी, सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं, यहां ए सी और यहां बी डी है, दोनों समान लंबाई के खंभे हैं। अगर ये एच है तो ये भी एच है। इन दोनों खंभों के बीच एक बिंदु है, इन दोनों खंभों के बीच एक बिंदु ई है। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, इस खंभे का शिखर कोण 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई यानी एच ज्ञात करनी है और खंभों के बीच की दूरी यानी ये जो दोनों बिंदु या ई है, यहां से इस खंभे की दूरी कितना और इस यहां से इस खंभे की दूरी कितना ही ज्ञात करनी है। मान लेते इस खंभे की दूरी एक्स है, तो ये पूरी दूरी है 80 मीटर, 80 माइनस एक्स है। इस त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज ए बी ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में 10 60 डिग्री बराबर एच बटे एक्स, 10 60 का मान रूट 3 होता है एच बटे एक्स, यानी एच बराबर हो गया रूट 3 एक्स। अब एच का मान रूट 3 एक्स आ गया इस त्रिभुज में, त्रिभुज बी डी में 10 30 डिग्री बराबर एच बटे 80 माइनस एक्स, 10 30 का मान एक बटे रूट 3 है, एच बटे 80 माइनस एक्स, रूट 3 एच बराबर 80 माइनस एक्स हो गया, रूट 3 एच का मान है रूट 3 एक्स, रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3x, x माइनस हो जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, 4x बराबर 80, यानी x बराबर 80 बटे 4, 20 चौके 80 होता है, यानी x का मान 20 मीटर हो गया। h का जो मान हो गया, h का जो वैल्यू हो गया, यहां से आप आ जाइए इसको समीकरण फर्स्ट कर दीजिए, h बराबर फ्रॉम फर्स्ट h बराबर रूट 3x का मान हो गया 20, 20 रूट 3 मीटर। इस खंभे की जो ऊंचाई हो गई 20 रूट 3 मीटर हो गई, 20 रूट 3 मीटर, और ए की बराबर हो गया 20 मीटर और ई बी के बराबर हो गया 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, कहता है एक नहर के तट के टीवी टावर
ऊर्ध्वाधर खड़ा है, एक नहर है ये, उसके एक ऊर्ध्वाधर टीवी टावर खड़ा है ए भी। टावर के ठीक सामने तट के एक अन्य बिंदु टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहां से ये शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी तट पर दूसरे बिंदु 20 मीटर दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर बिंदु डी है। मीनारे के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यह शिखर का उन्नयन कोण यहां पर 30 डिग्री बनाता है। टावर की ऊंचाई कितनी होगी एच निकालना है, और नहर की चौड़ाई कितनी है, ये नहर की चौड़ाई जो आपकी है वो 20 मीटर, ये दोनों की ये नहर की चौड़ाई एक्स जो है वो आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में टेन 60 डिग्री बराबर एच बटे एक्स, टेन 60 का मान रूट 3 है एच बटे एक्स, एन एच बराबर रूट 3x हो गया। त्रिभुज एबीडी में टेन 30 डिग्री बराबर एच बटे एक्स प्लस 20, एक बटे रूट 3 बराबर हो जाएगा रूट 3x, एक्स प्लस 20 हो गया, x प्लस 20 बराबर हो गया 3x, यानी 2x बराबर हो गया 20, यानी x बराबर हो गया 10 मीटर। यानी नहर की जो चौड़ा ऊंचाई हो गई, नहर की चौड़ाई ये 10 मीटर की हो गई, और टावर की जो ऊंचाई हो गई ये h रूट 3x है, x का मान 10 आ गया, यानी 10 रूट 3 मीटर हो गया। इस टावर की ऊंचाई 10 रूट 3 मीटर और नहर की चौड़ाई 10 मीटर हुआ साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया, इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये सीढ़ी एक शिखर टावर है, केबल टावर है, ये केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है, ये कोण 45 डिग्री का है। तो टावर की ऊंचाई कितनी है ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि ये सीढ़ी टावर है और इसकी ऊंचाई एच है, ये ए बी भवन है वो 7 मीटर ऊंचा है, तो ये भी 7 हो जाएगा, तो बच गया एच माइनस 7। आइए इसको कैसे ज्ञात करते हैं, ये दोनों के बीच की दूरी को मान लेते हैं एक्स। त्रिभुज एबीसी में टेन 45 डिग्री एच बटे एक्स, टेन 45 का मान एक होता है, एक बराबर हो जाएगा 7 बटे एक्स, यानी एक्स बराबर हो जाएगा 7 मीटर। इस भवन और टावर के बीच की दूरी हो गई 7 मीटर। अब इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस त्रिभुज में चलिए त्रिभुज बीईडी में टेन 60 डिग्री, लंब बटे आधार होता है एच माइनस 7, अब बटे ये बी, बी ये एक्स के बराबर है, एक्स का मान 7 है, ये एक्स है तो ये भी एक्स जाएगा, और एक्स का मान 7 है तो बटे 7 करेंगे, टेन 60 का मान रूट 3 बराबर एच माइनस 7 बटे 7, तिरछा 3 गुना करेंगे तो जाएगा 7 रूट 3 बराबर एच माइनस 7, 7 उधर करेंगे 7 रूट 3 प्लस 7, यानी एच बराबर 7 कॉमन रूट 3 प्लस 1 मीटर। 13 नंबर क्वेश्चन पर जाने के पहले क्लियर कर देते हैं, ये सीढ़ी जो हो गया केबल टावर उसकी ऊंचाई 7 गुने रूट 3 प्लस 1 मीटर है। अब आइए प्रश्न संख्या 13 पर, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा, ये समुद्र तल है इससे 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, ये दो समुद्री जहाज है सी और डी, इस पर अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, इस पर कोण बन रहा है 30 डिग्री और इस पर जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। यदि लाइट हाउस एक ही जहाज है, ये जहाज दोनों एक ही हो रहे हैं, लाइट हाउस की एक ही हो दोनों जहाज है, एक ही पीछे एक है, तो जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी। मान लेते हैं जहाजों के बीच की दूरी x है और यहां से लाइट हाउस से पहले एक जहाज की दूरी y है। साथियों ये x का मान ज्ञात करना है, पहले इस त्रिभुज में आ जाइए, त्रिभुज ए बी डी में टेन 45 डिग्री एच बटे हो जाएगा लंब बटे आधार, 75 बटे वाई, टेन 45 का मान एक, 75 बटे वाई बराबर हो गया एक, यानी वाई बराबर 75 मीटर। एक
जहाज की जो बीच की दूरी है इस टावर हाउस से वो 75 मीटर है। अब कहता है दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, तो त्रिभुज ए बी सी में टेन 30 डिग्री बराबर 75 बटे वाई प्लस एक्स, यहां से यहां तक की दूरी लेंगे तो यहां तक वाई और ये एक्स है, वाई प्लस एक्स हो गया। टेन 30 का मान 1/√3 होता है, 75 बटे वाई प्लस एक्स यानी 75√3 बराबर हो गया 75 प्लस एक्स, यहां पर y का मान 75 भर दिया तो x बराबर हो गया 75 कॉमन हो जाएगा √3 − 1 मीटर, यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो हो गई 75 × √3 − 1 मीटर हो गई। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर का कोई लड़का है, एक लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर, यहां से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, एक गुब्बारा यहां पर है, किसी क्षण लड़की की आंख पर गुब्बारा कोने को सामने दी है, किसी क्षण जो है ये लड़की यहां है उसकी आंख पर सामने को बनता है, कुछ देर गुब्बारा उड़ करके जमीन के क्षैतिज चला जाता है और ये उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाता है, कुछ समय उन्नयन कोण 30 डिग्री आता है, इस अंतराल में गुब्बारा जाते हैं कि दूरी ज्ञात करना है, इस अंतराल में गुब्बारा यहां से यहां आ गया है, x दूरी तय किया ये निकालना है, मान लेते हैं कि ये दूरी y है, पहले गुब्बारा जो है यहां से y दूरी पर है, फिर वो x दूरी क्षैतिज रूप में गति करता है, ये 1.2 मीटर पूरा 88.2 मीटर है, इसमें 1.2 मीटर खत्म हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 87 मीटर। अब आ जाइए त्रिभुज जी बी एफ में, 10 60 डिग्री बराबर 87/y, 10 60 का मान √3 हो गया, √3 वाई बराबर 87 यानी वाई बराबर 87/√3 गुणे √3 से गुणा कर दिए तो √3 गुणे √3 3 होता है, 29 किया 87 होता है, 29√3 मीटर हो गया, यानी यहां से यहां तक जो दूरी तय किया, दूरी जो है पहले गुब्बारा की पहली स्थिति जो दूरी प्रेक्षक से 29√3 मीटर है। अब आइए गुब्बारा एक दूरी तय करके यहां पहुंचा है तो 10 30 डिग्री बनाता है, ये 87 है, ये y प्लस x है, 10 30 का मान 1/√3 होता है तो y प्लस x बराबर 87√3 हो गया, इसमें y का मान 29√3 है, ये घटाएंगे 87√3 में 29√3 घटा देंगे तो 58√3 मीटर हो जाएगा, यानी गुब्बारा इस क्षण जो है 60 डिग्री से 30 डिग्री पर पहुंचने के लिए 58√3 मीटर की दूरी तय करता है। ए बी एक मीनार है, उसकी ऊंचाई h है, सीधा राजमार्ग पर एक मीनार के पाद तक जाता है, ये राजमार्ग है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवलंबन देखता है, इस कार पर अवलंबन कौन 30 डिग्री देखता है, मीनार के पाद की ओर जो एक समान वेग से चल रहा है और वो 6 सेकेंड में वो डी पर पहुंचता है तो देखता है 7 डिग्री का कोण बना रहा है, तो उस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, सी से डी एक्स दूरी तय करने में उसे 6 सेकेंड का समय लगा, तो डी से ए वाई मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा ये ज्ञात करनी है साथियों। तो सबसे पहले ये चित्र बनाया कि ए बी ये एक मीनार है, ये एक राजमार्ग है, इस पर कोई सी कार है जो यहां पर से खड़े आदमी 30 डिग्री को अपने को बनाता है, 6 सेकंड के बाद वो 60 डिग्री अपने को हो जाता है, तो कितने सेकंड के बाद वो ए पर होगा ये आपसे पूछता है। इस समकोण त्रिभुज ए बी डी में आइए, ए बी सी में 10 30 बराबर एच बटे वाई प्लस एक्स, इसका 1/√3 हो गया, छोटे वाई प्लस एक्स हो जाएगा, वाई प्लस एक्स बराबर √3h हो गया। इस त्रिभुज में आइएगा त्रिभुज एबीडी में 10 60 बराबर एच छोटे वाई, √3 बराबर एच छोटे वाई, एच बराबर √3y आ गए, इसका मान आप यहां से जगह भर देते हैं तो वाई प्लस एक्स बराबर √3 × √3y यानी 3y हो गया, वाई को इधर घटा दीजिए तो 2y हो जाएगा, एक्स बराबर 2y यानी वाई बराबर एक्स बटे 2 मीटर हो गया, एक्स की दूरी तय करने में 6 सेकंड लगता है तो x बटे 2 की दूरी तय करने में स्वभाव है कि 3 सेकंड लगेगा, अतः ये जो बची हुई दूरी है d को ये मीनार के पादपथ तक आने में से 3 सेकंड का समय लगेगा साथियों। क्वेश्चन नंबर
16 है, इस अध्याय का अंतिम क्वेश्चन है। मीनार के आधार से एक सरलरेखा पर दो बिंदु सी और डी है, इसकी दूरी 4 मीटर है और इसकी दूरी 9 मीटर है। इस ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई h, इस पर जो कोण बनाता है उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक कोण, अगर ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। साथियों ये जो कोण यहां पर सी पर बना है, यहां जो कोण सी बना है वो कोण सी थीटा है, तो कोण एडीबी जो है 90 डिग्री माइनस थीटा है। ये कोण दूसरे का पूरक है और ये 90 डिग्री का है। तो इस त्रिभुज में एबीसी में आओगे तो टेन थीटा बराबर एच बटे 4 हो गया। अब इस समकोण त्रिभुज एबीडी में आएगा, कोण 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं, ये आधार बटे लंब हो जाएगा 9 बटे एच, कोण 90 माइनस थीटा होता है 10 थीटा, 9 बटे एच। समीकरण सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को देखिए, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर हो जाएगा, एच बटे 4 बराबर 9 बटे एच, एच स्क्वायर बराबर 4 इंटू 9, एच बराबर रूट अंडर 36, यानी एच बराबर 6 मीटर हो गया। अतः मीनार की जो ऊंचाई हुआ वह 6 मीटर हुआ, यह मीनार जो है 6 मीटर ऊंचा है। इस तरह से इस अध्याय के एक एक प्रश्नों को आपने सीखा। साथियों हमारे साथ जुड़े रहें, हम अगले सत्र में फिर अगले अध्याय लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपके लिए विदा लेते हैं, नमस्कार।